सत्य को सुनकर इतने उत्तेजित ना हो महाराज मनु। वास्तव में आप मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरी सौत सुन्नति को फिर से कंपिला भेजने की योजना बना रहे हैं आप। मैं तुम्हें बार बार सावधान कर रहा हूँ सुरुचि, मुझे उत्तेजित करने का दुस्साहस ना करो, अन्यथा मेरा शाप तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। इससे अधिक और सर्वनाश क्या होगा कि मैं अपने पति का संपूर्ण प्रेम एक बार भी ना प्राप्त कर सकी, और इसकी दोषी तुम हो सुनिति। यदि तुम अपने पुत्र को युवराज बनाने के इच्छुक थी तो मुझे लोभ और लालच देकर मुझसे झूठी सौगंध क्यों ली तुमने? मुझे भ्रमित करके मेरा विवाह अपने पति से क्यों करवाया तुमने? पटरानी सुरुचि, तुमने मुझे वचन दिया था सुनिति कि तुम हम दोनों से दूर वन महल में जाकर रहोगी और मेरी इच्छा के विरुद्ध महाराज से नहीं मिलोगी, किंतु तुम वचन भंग करने की दोषी प्रमाणित हुई। उत्तर दो सुनिति, ये भयानक पाप क्यों किया तुमने? पटरानी सुरुचि, शांत हो जाए, बहुत कह लिया आपने। ऐसा न हो कि मेरे मुख से आपके विरुद्ध कुछ ऐसा निकल जाए कि जिससे आपको। सुखिया माई, तुझे मेरी सौगंध, पटरानी के अपमान का प्रयास ना कर। मौन हो जा सुखिया माई, मौन हो जा। इन्हें जो कुछ भी कहना है कह लेने दे। हो सकता है कि आज के पश्चात इन्हें कुछ कहने का अवसर ही ना मिले। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ सुखिया माई, मौन हो जा। पटरानी सुरुचि, तुमने हम सब के साथ दुर्व्यवहार करके यहाँ के पवित्र वातावरण को दूषित कर दिया है। इसके लिए जगदीश्वर भगवान विष्णु तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेंगे। पुत्र उत्तानपाद। आज्ञा पिताश्री। पटरानी सुरुचि को यहाँ से ले जाओ। सुरुचि, तुमने इस पृथ्वी के प्रथम पुरुष धर्मात्मा मनु महाराज को मानसिक कष्ट पहुँचाया है, इसका दुष्परिणाम तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। अब कृपा करके शीघ्र ही इस कुटिया से चली जाओ, हम तुम्हारा मुख भी देखने के इच्छुक नहीं हैं। महाराज, यदि आप पुनः सुनिति को अपनाने के इच्छुक हैं, तो मैं आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करूंगी। आपको मेरी और युवराज की सौगंध, इसी समय सुनिति को अपना ले। किंतु सुनिति को अपनाने के पश्चात मुझे ढूंढने का प्रयास ना करें, क्योंकि मैं युवराज उत्तम के साथ आत्महत्या कर लूंगी और इस सब का दोष आप पर लगेगा। चलो उत्तम। जाएं स्वामी, जाएं। अपने जीवन को और कष्ट में ना बनाए। सुनिति उचित कह रही है पुत्र उत्तानपाद, वो अभागिन सुरुचि हटी और दुर्बुद्धि है, वो क्रोध और उत्तेजना में कुछ अनुचित ना कर ले। इसके लिए शीघ्र जाओ पुत्र और उसे मना लो। यदि वो दुष्टा अनुचित करती है तो करने दे, मैं उसे मनाने नहीं जाऊंगा। आपको मेरी सौगंध स्वामी। पुत्र उत्तानपाद, तुम हमारे आदेश की उपेक्षा कर रहे हो। क्षमा पिताश्री। इसमें किसी का दोष नहीं, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं जहां भी जाती हूँ दुर्भाग्य के अंधकार की काली छाया स्वयं ही वहां पहुंच जाती है। क्षमा कर दे पिताश्री। आज के पश्चात अपने मुख पर ऐसी बात न लाना पुत्रवधु। तुम्हारे सौभाग्य से इस संसार के भाग्य का उदय होगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। पुत्रवधु, एक क्षण के लिए भी अपना मन जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की परम पावन भक्ति से भ्रमित न होने देना, वे अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। Oh,
देवगुरु, जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु के परम पावन स्वर सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे संसार से असुर शक्तियों का आतंक स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। शनिदेव, शनिदेव, विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव, देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप, देखें शनिदेव, संसार पर विष्णु भक्तों के बढ़ते प्रभाव को देखें। यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो छलिया विष्णु स्वर्ग और पृथ्वी से ही नहीं पाताल से भी असुरों के अस्तित्व को समाप्त कर देगा। देखें शनिदेव, सुने शनिदेव। देवगुरु, क्या दैत्य सेनापति राहु की पुकार पर सूर्यपुत्र शनिदेव उन्हें अपनी कुदृष्टि का प्रयोग करेंगे? आप चिंता ना करें मंगलदेव, देवर्षि नारद पहले ही शनिदेव को सावधान कर चुके हैं। क्षमा देवगुरु, चेतावनी की भाषा शनिदेव के समझ में नहीं आती। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सावधान करने के कारण देवऋषि को सूर्यपुत्र शनिदेव के अपशब्द और क्रूर वचनों को सुनना पड़ा होगा। बुद्धदेव, हम सभी शनिदेव के स्वभाव से भली भांति परिचित हैं, किंतु उन्होंने विष्णु भक्तों के विरुद्ध दुष्कर्म और कुदृष्टि का प्रयोग किया तो इसका परिणाम उनके हित में ना होगा। नारायण नारायण। प्रभु, आज आप इस प्रकार मौन क्यों हैं? प्रभु, क्या आप देवर्षि के प्रश्न का उत्तर देने की इच्छुक नहीं है? महादेवी लक्ष्मी, हमारा ये मौन ही देवर्षि की जिज्ञासा का समाधान है। स्वामी, आनंद आपके श्रीमुख पर अपने संपूर्ण स्वरूप में सदा सदा विद्यमान रहता है, किंतु परिहास से तो आपका स्वभाव नहीं, मौन किसी प्रश्न का उत्तर कैसे हो सकता है? महादेवी लक्ष्मी, आनंद को प्राप्त करने के लिए हास्य परिहास का तो सदा ही स्वागत होना आवश्यक है। स्वामी, नारद की जिज्ञासा के साथ मेरी उत्सुकता भी जुड़ी हुई है। महादेवी लक्ष्मी, परम भक्त नारद, बालक ध्रुव तथा सूर्य देव की तप साधना का सुफल एक साथ ज्ञात कर लेने के इच्छुक हैं। नारद ही नहीं स्वामी, तपस्वी की तपस्या का सुफल ज्ञात करने की इच्छा तो मेरी भी है। इस इच्छा के साथ एक और इच्छा है मेरी। महादेवी, आपके पुत्र नारद की भी इच्छा यही ज्ञात करने की है कि सूर्य पुत्र शनि देव इन दोनों तपस्वियों को कोई हानि तो नहीं पहुंचाएंगे। नारायण नारायण। अंतर्यामी, आपसे किसके मन का रहस्य छुपा है? जब आप मेरे और माता के सभी प्रश्नों को बताने की कृपा कर रहे हैं तो उनका समाधान भी करें। नारद, इस सृष्टि के प्रथम दिन से ये विधि का अटल विधान है कि जब तब व्रत करने वालों की रक्षा हमारी सात्विक शक्ति करती है। असत्य सदा पराजित होता है, सत्य की विजय सुनिश्चित है। नारद, प्रभु ने भले ही हमारी और आपकी जिज्ञासा का सीधा उत्तर ना दिया हो, परंतु हमारी जिज्ञासा का कुछ समाधान तो अवश्य हो गया। माता, ये भी सत्य है कि प्रभु की परम सुंदर और मनमोहक छवि के दर्शन मात्र से हर समस्या का समाधान हो जाता है, किंतु नारद का भटकता हुआ मन प्रभु के अधिक से अधिक समय तक दर्शन पाने की लालसा में प्रश्न पर प्रश्न उठाता रहता है। नारायण नारायण। आहा, नारद, धन्य है तुम्हारी प्रभु भक्ति, धन्य है तुम्हारी साधना और धन्य है तुम्हारा जप तप व्रत। सब माता का ही आशीर्वाद है। स्वामी, प्रभु कृपा को पाने के लिए संसार के जीव कई कई जन्म बिता देते हैं। कठोर साधना, लंबी तपस्या और कठिन मंत्रों का उच्चारण करके भी अनेक साधकों को प्रभु कृपा प्राप्त नहीं होती, किंतु उसी परम दुर्लभ
प्रभु कृपा को मेरे पुत्र नारद ने मात्र नारायण नारायण का जाप करके पा लिया। नारायण नारायण, तुम्हारा कल्याण हो नारद। नारायण नारायण प्रभु, मैं तो हमारे अधिक से अधिक दर्शनों को पाने की लालसा में तुमने पुनः प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया। नारायण नारायण, प्रश्न ही प्रभु, कृपा पाने। निश्चिंत रहो नारद, भक्ति करने वालों को हमारी परम कृपा अवश्य प्राप्त होगी। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव, ध्रुव में ये कैसी विध्वंसक शक्ति प्रकट हो गई? देखें, देखें शनिदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अभिमंत्रित जल से पाताल में ढकेल दिया गया मधु राक्षस पुनः पृथ्वी पर आकर विष्णु भक्ति में लीन हो गया। हम सब देख रहे हैं राहु, हम सब देख रहे हैं। हमें कुछ भी दिखाने का प्रयास ना करो। अब हमें ये निश्चित करना होगा कि इस विध्वंसक दृश्य का लाभ विनाशक शक्तियां किस प्रकार उठाएं। सोच विचार में समय व्यर्थ ना करें शनिदेव। इस संसार की समस्त विनाशक, विध्वंसक, भयंकर और मारक शक्तियों को आश्रय प्रदान करने वाले शनिदेव, आज तो हमें मनोवांछित दिशा मिल गई है। तुम क्या कहने के इच्छुक हो राहू? शनिदेव, संसार में सात्विकता का ढिंढोरा पीटने वाली विष्णु भक्ति नास्तिक हो गई है। अर्थात? देखें शनिदेव, देखें, संसार में तो प्रचलित यही है कि भागवत भक्ति से मन को शांति प्राप्त होती है, किंतु आप देखें शनिदेव, इस परम भागवत भक्त ध्रुव के भीतर विध्वंस का कैसा तांडव हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस परम पावन अवसर का लाभ उठाएं शनिदेव। नमो भगवते वासुदेवाय। भला इसी में है कि हम अदृश्य हो जाएं शनिदेव,
अन्यथा हमारा प्रहार हमें ही आहत कर देगा। ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव को विष्णु की कृपा प्राप्त हो गई है। अदृश्य हो जाए शनिदेव। नमो भगवते वासुदेवाय। ये दृश्य देखकर मेरा इंद्रासन डोलने लगा है। भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त करके ध्रुव स्वर्ग सिंहासन का वरदान प्राप्त करेगा। देवगणों, ध्रुव जगदीश्वर श्री विष्णु से इंद्रासन प्राप्त करने का वरदान प्राप्त करे इससे पूर्व हमें उसकी तपस्या भंग करने का उपाय करना होगा। नहीं देवराज, बालक ध्रुव की भक्ति का उद्देश्य स्वर्ग सिंहासन की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। आप व्यर्थ की आशंका ना करें। जब तप व्रत और भक्ति में लीन रहने वाले देव गुरु बृहस्पति आप भला शक्ति की भाषा क्या जाने। ये ध्रुव स्वर्ग के सम्मुख एक भयानक संकट बनकर खड़ा हो गया है। स्वर्ग की सुरक्षा का उपाय तो हमें करना ही होगा। हे जगदीश्वर, हे प्राणी मात्र पर कृपा करने वाले भगवान विष्णु, देवराज इंद्र को कृपया सद्बुद्धि प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। 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 अपनी आराधना को विराम दे दैत्य गुरु। आपने जिस मधु राक्षस को पाताल के अंधकार में ढकेल दिया था वो विष्णु भक्ति के प्रभाव से पुनः पृथ्वी पर लौट आया है। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, विष्णु भक्त ध्रुव में भी असीम विध्वंसक शक्ति उत्पन्न हो गई है। ध्रुव की शक्ति के कारण मुझे और शनिदेव को अपमानित होना पड़ा। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलें दैत्य गुरु, मधु और ध्रुव को दंडित करें, अन्यथा दैत्य जाति का भविष्य आपको कदापि क्षमा नहीं करेगा। जागे दैत्य गुरु, जागे, जागे दैत्य गुरु, जागे। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु, वास्तव में दैत्य जाति की इस भयानक दुर्दशा के उत्तरदायी आप हैं। शिव भक्ति में लीन रहकर आप अपना कर्तव्य भूल गए हैं। यदि इसी प्रकार आपको दैत्य जाति की उपेक्षा करनी है तो स्वयं आप दैत्य गुरु का पद त्याग दें। सावधान दैत्य गुरु, क्या तुम हमारी आराधना को अधूरा छोड़कर विष्णु भक्त ध्रुव और मधु को दंडित करने के इच्छुक हो? स्मरण रहे शुक्राचार्य, भागवत भक्तों को कष्ट पहुंचाने का विचार करने वाला हमारा सच्चा आराधक हो ही नहीं सकता। यदि तुमने विष्णु भक्तों को कष्ट पहुंचाने का दुष्कर्म किया तो तुम कदापि सफल नहीं होगे तथा हमारी कृपा से सदा सदा के लिए वंचित हो जाओगे। हे आशुतोष, हे हरेक पर कृपा करने वाले भोलेश्वर, इस मूढ़ बुद्धि शुक्राचार्य की मूर्ता को क्षमा करें। मैं भ्रमित हो गया था भोलेनाथ, मुझे क्षमा करें। दया करें दया निधान, कृपा करें कृपा निधान। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तुमने दैत्य जाति के संग कपट किया है।
मैं दैत्य सेनापति राहु तुम्हें शाप देता हूँ। भविष्य तुम्हें कभी सर्वश्रेष्ठ शिव भक्त के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। ओम नमः शिवाय। जिस असुर दैत्य राक्षस को तुम प्रेरित करोगे वो विजय प्राप्ति के पश्चात तुम्हारा विरोध और तुम्हारी इसी प्रकार घोर उपेक्षा करेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।